हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, राइट। सो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में, सेम वैसा ही कुछ देखने को मिला है एज ऑफ नाउ। तो ठीक है, देखो हुआ क्या था, जब हम लोग मॉर्निंग में आए थे हमने डिस्कस किया था कि जो डाउन साइड का ये चल रहा है सिनेरियो, इसको आप टोटली अवॉइड कर दो। ठीक है, यही चीज़ डिस्कस हुई थी। और उसके बाद में यही सपोर्ट, अगर लेट्स से आप यहाँ पे आए भी हो तो सिर्फ सपोर्ट तक का, यानी कि जो प्रीवियस आपका दिन का जो लो है वहीं तक आप टारगेट लेके चलो, इसे फर्दर मत लेना, बिकॉज यहाँ से मार्केट के रिबाउंड होने की क्या थी, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई थी। ठीक है, अब देखो जो भी चीज़ हमने मॉर्निंग में डिस्कस करी थी, जो मैंने आपको बताई थी, वो क्या था, वो एक ऐसा सिनेरियो था जो मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, राइट, जो मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ। एंड वही सेम चीज़ मैंने आपके सामने डिस्कस करी, तो काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि कैसे मैंने वो चीज़ आइडेंटिफाई करी कि ये चीज़ जब हो तभी आपको जाना है, और ये कैसे मैंने पता लगाया। तो बेसिकली इट्स लाइक वी हैव सम रूल्स, वी हैव सम डिसिप्लिन, यू नो दैट शुड बी दैट वी शुड फॉलो। तो बेसिकली क्या एक रूल था जो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करना है, ट्रेंड के साथ ही काम करना है, राइट। यही एक रूल था जो हमने डिस्कस किया था, और यही सेम रूल के ऊपर ही ये सेम चीज़ अप्लाइड हुई थी, राइट। मैंने ये चीज़ बहुत क्लियर कट आपको समझाई थी इंट्राडे के अंदर, जो आज हमने डिस्कस किया था कि ये नीचे का मूव एक बार हो जाने दो, बेस पे जैसे ही आएगा यहाँ पे, जैसे ही हाई राइज का पैटर्न बनेगा, जस्ट गो विद इट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का पहला ब्रेक होना चाहिए था, उसके बाद में हाई राइज बनना चाहिए था। अब हायर हाइज बनने के लिए देखो यहाँ पे सीधा क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो डेफिनेटली ये भी एक पैटर्न था जहाँ पे आप चाहो तो इस ब्रेकआउट पे भी जा सकते थे, बट यहाँ पे हायर हाइज उतना क्लियर नहीं था। क्या नहीं था, हायर हाइज उतना क्लियर नहीं था, इसी वजह से आपको प्रॉपरली एक यू टर्न, जो एक यू नो स्विंग होता है, वो स्विंग के बनने का वेट करना पड़ता है। स्विंग कहाँ बना, स्विंग बना यहाँ पे, ब्रेकआउट यहाँ हुआ, तो एंट्री पॉइंट क्या हुआ आपका, ये एंट्री पॉइंट हुआ। तो ये हमने पहले भी सेम फॉर्मेट लास्ट थ्री टू फोर डेज इस मंथ में ही, और इससे प्रीवियस मंथ के जो लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन थे उसमें सेम फॉर्मेट सेम चीज़ आपको कई बार मैंने दिखाई यहाँ पे, एंड उसी के सेम बेसिस पे मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस भी करी है। ठीक है, तो सेम वही हुआ, फिर यहाँ पे ये बना ए, ये आपका बी, और सी आपका आ गया ये वाला 1.6 मिनट। तो बेसिकली आपका जो दिन का था वो तो यहीं तक का था, ठीक है, जो आज का दिन था वो यहीं पे आपका आ गया। और अगर आप फ्यूचर्स देखो, अगर आप फ्यूचर्स देखो यहाँ पे एसजेक्स का तो कितना शो कर रहा है, 18,000, राइट। तो बेसिकली कल तक तो ये टारगेट बहुत ईजिली आ जाएगा, हमारा टारगेट तो सिर्फ 17,984 तक का था, बट ये अब नेक्स्ट कहाँ आएगा, 18,000 पे, यानी कि ये कहीं इस दोनों के बीच में फॉल करेगा समवेयर अराउंड, ठीक है, एज ऑफ नाउ जो एसजेक्स दिखा रहे हैं हमको। सो यही एक रीज़न था जब मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि आप सिर्फ हायर हाइज का वेट करना, वहाँ पे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। एंड सेम चीज़ आपकी बनी है कहाँ पे, यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कि सेम चीज़ यहाँ पे बनी है, सेम चीज़ आपकी बैंक निफ्टी में भी हुई है, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आते हैं। तो बेसिकली जो भी हम लोग डिस्कस करके गए थे वही सेम अभी तक में फॉलो हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैसे समझ गया इन चीज़ों को, कैसे हो गया, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जो ट्रेंड था बस उसके साथ में काम किया, इससे ज़्यादा फर्दर कोई भी इसमें रो नहीं था। और जो भी आपका पैटर्न मैं इतने टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ, सेम वही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, सेम वही यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने स्विंग को ब्रेक किया इस लेवल पे, तो स्विंग ब्रेक होते से यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये वाला एंट्री पॉइंट हो गया, दैट्स इट, ये वाला क्या हो गया आपका एंट्री, बिकॉज यहाँ पे स्विंग बनाना, मैंने आपको ये भी चीज़ बताई कि स्विंग बनना बहुत ज़रूरी है, एंड स्विंग कुछ इस तरीके से होता है आपका, ऐसे बहुत छोटे छोटे स्विंग्स हैं, जितने छोटा स्विंग होता है ना उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक वहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो स्विंग थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला होना चाहिए, लाइक कि दिखे कि हाँ वो स्विंग है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विंग बना, ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद में शूट। सो बेसिकली अब अगर मैं यहाँ से अपना जो भी मैं लगाता हूँ, अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो करूँ तो कौन सा लेवल निकल के आता है, 1.618। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये वाला अचीव हो गया टारगेट। सो अब आपको यहाँ पे चीज़ देखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे ये वाला हाइज है, ये है वो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, बट एक दो दूसरा पॉइंट होता तो डेफिनेटली मैं मानता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट एक ही पॉइंट था तो आई विल नॉट कंसीडर दिस एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो सेम चीज़ ये मैंने मॉर्निंग में डिस्कस भी करी थी, आप चाहो तो मेरा लाइफ बैलेंस का वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैं ये डिस्कस करके गया था। तो बना बनाया पैटर्न था, यहाँ पे कोई भी फर्दर डिस्कशन का यहाँ पे हुआ ही नहीं था। और ये चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ काम करना है, ये आपके आने वाले टाइम में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने लूजिंग ट्रेड्स को कम कर दोगे, अननेसेसरी के ट्रेड्स नहीं करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ तो समझनी है, मतलब मार्केट में प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस को कम करने का सोचोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लॉस जिस दिन कम होना स्टार्ट होगा, प्रॉफिट वहीं से आपका जो ग्रैपिंग होगा ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जो मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, मोस्टली वीडियोज में डिस्कस करता हूँ, एंड यहाँ पे भी सेम डिस्कस हुआ है. ठीक है, अब देखो मार्केट अब नेक्स्ट मूव क्या करना है, कैसे करना है. अब मार्केट समवेयर अराउंड अपने नियर बाई स्टॉक पे है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कई बार बताया कि थोड़ा सा कॉशियस रहना है, कॉशियस के साथ काम करते चलो बस, क्योंकि जिस दिन लॉस होगा उस दिन छोटा ही होगा, स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, तो वो एक दो लॉस तो वी कैन एक्सेप्ट इजीली, राइट? तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और मैं मानता हूँ ये चीज़ कि जिस दिन रिवर्सल होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे एक ना एक स्टॉप लॉस तो जाता ही जाता है. ठीक है, तो दैट इज एन हार्ड रूल दैट यू नो वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट. ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है. ठीक है, कि जिस दिन रिवर्सल होता है मार्केट में, काफ़ी लोग के स्टॉप लॉस जाते हैं, काफ़ी लोग उसको पहले से समझ भी जाते हैं जिन लोगों का मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा होता है. मैं ये नहीं बोलता क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता, एक एक्सपर्ट भी गलत होता है, एक्सपीरियंस तो उसको भी, बट एक्सपर्ट्स भी गलत होते हैं कभी कभी. सो इसी वजह से अभी तक मैं जितने भी हमने आपके सामने एनालिसिस किया है, जितना भी एनालिसिस किया है मैंने, उसमें मैंने आपको क्लियर कट ये चीज़ बताई भी है कि मैं सिर्फ एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ एंड सेम चीज़ सब जगह अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुआ. ठीक है, बैंक निफ्टी को जब ये मूव आया तब भी बताया गया था, और उसके बाद जब ये मूव हुआ तब भी बताया गया था. सेम बैंक निफ्टी में भी था, निफ्टी में भी था. तो निफ्टी में हुआ था, बैंक निफ्टी में तो होना ही होना है, राइट? सो अभी कल का मूव क्या है यहाँ पे दिखा रहा है, देखो बेसिकली एसजेक्स निफ्टी यहाँ पे अप दिखा रहा है आपको, राइट? एसजेक्स निफ्टी का दिखा रहा है, अप दिखा रहा है. सो लेकिन इतना कुछ हार्ड वो नहीं है. तो आप यहाँ पे क्या चीज़ एनालाइज कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे लेट्स से अगर मार्केट इस एरिया में गैप अप होता है, इस एरिया में मान लो इसके नीचे अगर गैप अप हुआ, तो यहाँ पे अगेन वेट करोगे सब इस एरिया पे या फिर इस एरिया पे बनने का, किसका? हाई राइज के बनने का. ठीक है, या तो इसको नीचे एक बार करेक्शन करने देना, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन, अगेन वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, फिर ये सेम चीज़ सिनेरियो बनेंगे, तब जाके आप एक फ्रेश एंट्री ले पाओगे. ठीक है, तो यही सेम चीज़, क्योंकि यहाँ पे भी देखो जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो आपको कोई भी एंट्री नहीं मिल पा रहा था, बट जब मार्केट करेक्ट हुआ थोड़ा सा, करेक्ट होने के बाद में मार्केट ने फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने हाई राइज बनाया और फिर मार्केट अप. ठीक है, सेम चीज़ फॉलो होगी सेम इस सिनेरियो में. मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो. ठीक है, अब इसमें इस रैली में कैच करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी परफेक्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं है. गैप अप होता है अवॉइड कर देना, गैप अप होगा तो क्या करना है, अवॉइड करना है. और अगर वहाँ पे अपसाइड में कोई भी इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है लेट्स से कोई भी एरिया पे, तो मार्केट के टॉप्स में या फिर हाई यहाँ पे कई एरियाज में, सो वहाँ पे क्या करना है, अगर आप शॉर्ट पे जा भी रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप पी लेके वहाँ पे शॉर्ट करना चाह भी रहे हो, तो बेसिकली आपको डाउन साइड में जो आपके लो, लेट्स से ये वाला एक एरिया है जहाँ पे मार्केट दो बार सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक के लिए बस, या फिर पहला आप सिर्फ यहीं तक कर रखो कि यहाँ इस एरिया पे आएगा तो मुझे स्क्वायर ऑफ करना है अपना पोजीशन. अगर अपसाइड में कोई भी क्या होता है, अपसाइड में क्या होता है, कोई भी आपका इवनिंग स्टार बनता है विच इज़ अ बेरिश साइन. ठीक है, एक सिनेरियो और हो सकता है, लेट्स से मार्केट यहाँ इस एरिया में खुला कहीं पे एंड मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो. ठीक है, रोकना नहीं है, जाने दो. और अगर हाई राइज बनाता तब तो आपका एंट्री बनी गया. ठीक है, अगर हाई राइज नहीं बनता है और मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्डली एक कैंडल, दूसरी कैंडल अप, तीसरी कैंडल अप, चौथी कैंडल अप, और उसके बाद में यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया, कहीं पे भी बन गया, यहाँ बन गया, इधर बन गया, कहीं पे बन गया, बस इसके ऊपर बनना चाहिए. बनता है तो नीचे वहाँ पे अगर एंट्री ले भी रहे हो तो दिन का लो, अगर यहाँ पे लेट्स से मान लो शूट अप हो गया, एक के बाद एक कैंडल ग्रीन बन रही है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं खुला है, इसके ऊपर खुल गया, मैं एग्जांपल के बता रहा हूँ, यहाँ कहीं खुल गया और मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्डली ऊपर जा रहा है और यहाँ कहीं इवनिंग स्टार बन गया, तो इवनिंग स्टार अगर बना तो आपका, अगर आप पी साइड पे जा रहे हो, डाउन साइड के लिए जा भी रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ दिन का लो जो होगा वही आपका टारगेट होगा. इससे ज़्यादा फर्दर मत रखना अपना टारगेट. ठीक है, बिकॉज यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी, मार्केट ऊपर खुला, कहाँ खुला था मार्केट, आज खुला था मार्केट समवेयर अराउंड 9:15. ठीक है, एंड यहाँ कहीं मार्केट खुला है. ठीक है, 9:15 पे ये मार्केट खुला, खुलने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कोई भी हाई राइज तो मिला नहीं, तो आपका ये वाला एंट्री तो मिस हो गया, तो लेट इट बी ये वाला मिस हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट को नीचे आने दिया, करेक्शन हुआ यहाँ पे, नीचे आया मार्केट, नीचे जब आया तो बेस पे आया आपने, जो भी आपका बेस था वहाँ से फिर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हाई राइज बनाया, नहीं आप. सेम सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है, मार्केट गैप अप खुला, लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे आपका मार्केट थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, इवनिंग स्टार बनाया, सिर्फ यहाँ तक के टारगेट, जो दिन का लो है यहाँ तक के टारगेट के लिए बस आप अपना पी को लोगे, अदरवाइज अवॉइड कर देना पी. मैं तो यही बोलूंगा कि आप पी को अवॉइड ही करो अभी. ठीक है, एंड इन सम केसेस अगर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्डली रैली कर रहा है और उसके बाद में अगर वो नीचे भी आ गया और इसने तोड़ भी दिया, तो ट्रेडिंग से थोड़ा दूर हो जाना. ठीक है, अपने ट्रेडिंग डेस्क से थोड़ा सा दूर हो जाना, क्योंकि मुझे पता है आप कहीं ना कहीं ऑर्डर लगाओगे उसमें, तो बिल्कुल वहाँ पे कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना, इसको बस वेट करना है, पूरा फॉल खत्म हो जाने दो,
फिर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, कहीं ना कहीं ट्रेंड तो बनेगा ही बनेगा, तो ट्रेंड का ब्रेक होना अपसाइड के लिए, ठीक है। बिकॉज अभी डेली चार्ट पे तो अभी हमारा अप ट्रेंड नहीं चल रहा है, डेली चार्ट पे अभी कोई भी सिग्नल नहीं मिला है कि वहाँ पे हमारा मार्केट डाउन साइड के लिए रेडी हो गया, अभी कोई सिग्नल नहीं है। तब तक के लिए अप ट्रेंड ही प्ले करो, डाउन साइड मत आओ, वरना क्या होगा, आर ए ओ पी के लिए कहीं से बीच से रिबाउंड हो गया, फिर सर पकड़ के बैठना पड़ेगा आपको कि यार ये रिबाउंड हो गया, यहाँ से ट्रेंड के साथ काम ही कर दो ज़्यादा बेटर था। तो ये चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हो मार्केट में उसके फॉल होने के, अगर फॉल हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, फॉल होने दो, ट्रेंड लाइन बनाओ, ब्रेकआउट हो, हाई राइज बने, एंटर। जैसे कि यहाँ पे हुआ, मार्केट गया ऊपर, नो ट्रेड, मार्केट नीचे आया, नो ट्रेड, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, हाई राइज मिला, एक और चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, एंटर। एंटर होते से ही मार्केट का टारगेट वही सेम जो हम लोग फॉलो करते हैं अपना ईबीसी के अकॉर्डिंग, टारगेट्स को आप उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे में लगा सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ फॉलो करनी है निफ्टी में भी, राइट। अगर लेट से निफ्टी आपका, लेट से फॉर एग्जांपल कि निफ्टी आपका 18,000 के ऊपर खुल गया, ठीक है, लेट से फॉर एग्जांपल निफ्टी आपका कहाँ खुल गया, 18,000 के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट खुल गया यहाँ पे कहीं पे, लेट इट कम डाउन, अगर नीचे आ रहा है इवनिंग स्टार बना के, तो उसका दिन का लो या तो होना चाहिए, ठीक है, उस दिन का, कल का ही लो आपका टारगेट होगा, और उसके बाद में अगर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा रहा तो आने दो, ठीक है। जब तक ये लो ब्रीच नहीं होगा, जब तक ये वाला लो ब्रीच नहीं होगा, तब तक नीचे की तरफ में कोई भी फ्री फॉल है नहीं, यहाँ तक में तो मार्केट कंसोलिडेटेड है पूरा, तो इसके नीचे ही थोड़ा सा उम्मीद है कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव डाउन साइड में दिखा सकता है। तो अभी इस एरिया में कोई भी डाउन साइड पी का मूव एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकता है अगर आप पी की तरफ में जाओगे तो बेसिकली अप साइड में जाना है तो मार्केट को पूरा नीचे नहीं देना, फिर अगेन वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ, फिर वही हाई राइज का पैटर्न, ठीक है, जैसे कि यहाँ बनाए, सेम यही सिनेरियो अगर मिलता है तो ही जाना, अदरवाइज अवॉइड कर देना निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को, ठीक है। एक बार लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग में, तो फॉर द यू नो आपका पूरे दिन के लिए, सॉरी आपके वीकली चार्ट्स पे एनालाइज किया था आई गेस, ठीक है। सी तो यहाँ पे क्लियर कट, अभी तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट चल रहा है, तो विल सी दैट कि और फर्दर इसमें मूव देखने को, बिकॉज यहाँ मेरे को वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, 1, 2, 3, ठीक है, अप 1, 2, 3, 4 वॉल्यूम्स अप। सो बेसिकली क्या है, क्लियर कट इंडिकेशन है यहाँ पे कि ये बहुत ही शार्प ट्रेंड है, ठीक है, बहुत ही रिलायबल ट्रेंड है यहाँ पे, और इसके यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इस एरिया तक में आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज आप रीड करो यहाँ पे, इस एरिया पे आपका वॉल्यूम देखो, ठीक है, वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, फिर वॉल्यूम ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे, एंड उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया, मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही कम, फिर एक ब्रेकआउट हुआ अपसाइड में, वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो गया, मतलब कि सेलर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है बेचने में, ठीक है, और बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें खरीदने में। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक्स अब यहाँ तक देखने को हमको मिल सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि मिलेगा ही मिलेगा, अब देखिए देखने को मिल सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटीज, जितना अच्छा मार्केट आपको प्रोबेबिलिटीज दिखा रहा है उतना बेटर आपके लिए है, ठीक है। ओके, सेकंड आपका टाटा कंज्यूमर का देखते हैं, कल का दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाटा कंज्यूमर का, बिकॉज टाटा कंज्यूमर में आपका हुआ क्या है, टाटा कंज्यूमर में आपका बेसिकली अगर मैं वीकली चार्ट पे आऊँ, देखो अभी तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब तक वीकली एनालिसिस इसका वीकली चार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे। वीकली में ये ट्रेंड लाइन आपका टूटना चाहिए, जो बॉक्स मैंने मार्क किया हुआ है ये आपका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही ये बॉक्स ब्रेक होगा यहाँ पे तो इसके लाइफ टाइम हाइस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्या मिल सकते हैं, लाइफ टाइम हाइस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट, दिस वन। सो ये चीज़ को एनालाइज करना है यहाँ पे, और जैसे ही इसका कल अगर लेट्स से इसका ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो भी गई, देन वी विल गो विद दैट, अदरवाइज वी हैव टू अवॉइड इट, राइट। सो दैट इज इट, कल निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव जो भी मिलेगा सेम वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आपको लगता है उसमें और कुछ आपके तरफ से आप अपना एड ऑन कर सकते हो तो डेफिनेटली आप करो उसमें, एंड को प्लीज बैक टेस्ट जरूर करना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं कल, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर, सी यू सून।